कैप का स्टॉक, एंड इस स्टॉक का नाम है एलजी इक्विपमेंट्स, ELGI इक्विपमेंट्स, ठीक है। एंड आप देखो कि बहुत ही नीचे के लेवल्स, यानी 100 रुपये, 105 रुपये के लेवल्स के आसपास से ऑलरेडी 240 रुपये आ गया, बट स्टिल मेरे को इसके अंदर अब जाके कंफर्मेशन दिख रहा है कि ये जो स्टॉक है यहाँ से और अच्छी रैली करीब करीब 300 से 350 के लेवल पे करने को तैयार है, विच इज़ गोइंग टू बी 25 to 30, 35% रफली जो है इसके अंदर प्रॉफिट के लिए स्कोप है। एंड चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, पहले टेक्निकली जानते हैं जिस वजह से ये मेरी रडार पे आया है। सो लेट अस स्टार्ट सम ड्राइंग। तो ये एलजी इक्विपमेंट्स का जो है वीकली चार्ट है, एंड अगर आप देखोगे कि इसके अंदर जो एक बेस फॉर्मेशन हुआ था प्रीवियस, दैट वाज अराउंड दिस लेवल, ठीक है। एंड रफली उसी लेवल के आसपास जो है यहाँ पर आप देखोगे कि मल्टीपल कैंडल्स जो हैं फॉर्म हुई हैं। तो इसको थोड़ा जूम करके अब आगे लेके आता हूँ। अच्छा, एक बात और बताता हूँ कि ये जो प्रीवियस बेस फॉर्म हुआ है, ये 2014-15 के आसपास फॉर्म हुआ है। दैट वाज द टाइम जब पिछला डाउन ट्रेंड स्मॉल एंड मिड कैप्स में था, एंड उसके बाद 2017 की जो ग्रेट रैली आई थी जिसमें सभी स्मॉल कैप मिड कैप लगभग डबल हो गए थे, तो ये उन लेवल्स के आसपास से ही इसमें सपोर्ट लिया है। एंड अगर आप देखोगे कि उसके बाद सपोर्ट लेने के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट जो है इस कैंडल पे आपको दिखेगा, जो ये लंबे वाली ग्रीन कैंडल है, विच इज़ लाइक अ कन्फर्मेशन कि भाई जो है हमारा इसके अंदर जो है जेन्युइन बाइंग हुई है बॉटम में, एंड ये ब्रेकआउट आया है। अब हमारी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी वो बनती है, वो तब बनती है जब इतनी बड़ी रैली के बाद, देखिए मार्केट कंटिन्यू अप नहीं जा सकती है, मैं आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। जब इसको अप जाना है तो एक ब्रेकआउट लेने के बाद थोड़ा सा इसको जो है प्रॉफिट बुकिंग लेना पड़ेगा, एंड देन आपकी आएगी जो नेक्स्ट इसके अंदर बुल रैली है, ठीक है। तो ये जो बड़ी सी रैली है आ चुकी है, उसके बाद ये जो नीचे है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। अब आप देख रहे हो कि बॉटम में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के एक सेकंड ग्रीन कैंडल जो है वो ऊपर उठी है वीकली चार्ट पे, यानी आने वाले दिनों में इसके अंदर एक नेक्स्ट रैली कंटिन्यू हो सकती है जिसके चांसेस बहुत ही अच्छे हैं। ये मैं आपको जो है ये स्टॉक का अभी फंडामेंटल एनालिसिस भी करके दिखा देता हूँ फटाफट, तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा। टारगेट्स अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही सेफ टारगेट जो मुझे लग रहा है, दैट विल बी द लेवल ऑफ 300। इसका भी एक रीज़न है कि पिछली बार 300 से जब ये ऊपर निकला था इसने बेस बनाया था, लेकिन बेस तोड़ने के बाद मल्टीपल टाइम्स इसने 300 के लेवल को जो है वो टेस्ट किया, यानी 300 विल एक्ट एज काइंड ऑफ अ गुड रेजिस्टेंस ये पर्टिकुलर स्टॉक में। तो 240 रुपये का जो लेवल है वो आप देख रहे हो यहाँ पे, 240 रुपये चल रहा है, 60 रुपीज़ की स्कोप है, 300 के ऊपर टारगेट है, ठीक है। तो ये जो है अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, इमीडिएटली आई वुड से इसको बाय करिए, दो फेज में करिएगा, एक 240 पे और एक अगर ये आपको बाय चांस 220 पे मिलता है तो आपको करीब इसमें 8 से 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो लेट इट भी, जो क्वांटिटी बाय हो जाए उसको होल्ड करके रख लीजिए, एंड उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई जो भी क्वांटिटी हमको मिल जाती है उसको कंटिन्यू होल्ड करके आप आगे इसमें कैरी ओवर करते जाइए, एंड 300 का टारगेट लगा के स्टॉक में बने रहिए। अब इसके जो है मैं आपको टेक्निकल्स दिखा चुका हूँ, फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं। स्मॉल कैप की कंपनी है, खाली 3800 का इसका जो है मार्केट कैप है। कंप्रेसर्स ये बनाती है, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल यूजेस में है ये बहुत ज़्यादा। नीचे आते हैं, देखिए सबसे अच्छी जो एक बात है कि इंडस्ट्रियल कंप्रेसर के इसके जो पीयर्स हैं या जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो लिमिटेड हैं, यानी कि सिर्फ चार कंपनीज टोटल हैं जो इस सेगमेंट में यहाँ पे जो है लिस्टेड है मार्केट में, उसमें ये एक पर्टिकुलर कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये देखिए कि ये ईयर ऑन ईयर, यानी हर साल की एक एक लाइन है यहाँ पे, 2009-10 से लेके आगे 18-19 तक आगे तक आया, कोई भी टाइम इसने पिछले 10 साल में एक नेगेटिव फिगर नहीं दिया, यानी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि हर साल इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, बट कंसिस्टेंटली प्रॉफिट है। जितने भी डाउन ट्रेंड आए हैं, जितने भी मार्केट में नेगेटिव आए हैं, वो सब इसने अब्जॉर्ब करके हमेशा अपने प्रॉफिट्स को कंसिस्टेंट मेंटेन किया है। तो यही इस कंपनी का जो है
सबसे बड़ा जो है बेनिफिट है कि कंपनी जो है लॉस में नहीं गई है। इवन आप देखिए टीटीएम जो डला हुआ है, यानी मार्च के बाद जो टीटीएम डला है, ऑलरेडी 17 करोड़ का इसका जो है प्रीवियस क्वार्टर आप समझ लीजिए प्रॉफिट ऑलरेडी बना हुआ है। तो कंपनी लॉस में नहीं जा रही है। अगर कोई कंपनी लॉस में नहीं जा रही है तो इसके स्टॉक प्राइस को जो है इंक्रीमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि इसकी जो है डेफिनेटली कुछ ना कुछ फंडामेंटल बेसिस पे, यानी कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। प्रॉफिट अगर किसी कंपनी में आएगा तो कुछ ना कुछ बेसिस पे री इन्वेस्टमेंट होगा, उसकी वजह से धीरे धीरे इसका मार्केट कैप इंप्रूव होगा। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जो मेरे को फंडामेंटली इसमें बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि इसने जो है बीच में फाइनेंशियल एक्टिविटी में 250 करोड़ का, ये जो यहाँ पे पॉजिटिव फिगर दिखा रहा है, इट मीन्स यहाँ पर इसने 250 करोड़ का एक लोन लिया था, जिसके बाद इसकी कैश बुक जो है काफ़ी हद तक नेगेटिव चली गई थी, दैट वॉज इन 2013। बट वहाँ से जो फिगर्स हैं काफ़ी हद तक छोटे हो चुके हैं, दैट मीन्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लोन जो है ये चुका चुका है। सो दिस इज़ अ सेकेंड बिग फैक्टर फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे जो मुझे एक अच्छी होप देता है कि अगर मैं इसको परचेज करके रखता हूँ तो मेरा जो 240 से बाय करके 300 का जो टारगेट है, दैट इज़ वेरी मच इन फेवर ऑफ माई एनालिसिस। एंड मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं लगती है, बिकॉज सभी स्मॉल एंड मिड कैप्स के अंदर जो है यही सिनारियो है कि सब कोरोना के टाइम पे गिर गए थे, सभी में एक रिकवरी आ रही है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मल्टी कैप्स के अंदर जो सेलिंग क्रिएट होगी अब लार्ज कैप्स में, बिकॉज ऑफ द मल्टी कैप फंड्स का जो रूल आया है कि सेबी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सभी मल्टी कैप फंड हाउसेज को 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप में मिनिमम मेंटेन करना होगा, जो कि इस वक्त 10% से भी लेस है इंडिविजुअली। तो उस वजह से जो है सभी स्मॉल एंड मिड कैप्स के अंदर एक रैली आना बहुत ही ईजी अंडरस्टूड एक फैक्टर है। अगर आप नहीं समझो तो प्लीज़ पीछे जाके वो भी मेरा वीडियो देख लीजिए, डेफिनेटली आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो उसी बेसिस पे आई वुड रिकमेंड एलगी इक्विपमेंट्स, एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। मुझे बताइए मेरा एनालिसिस आपको कैसे लगा। मैं हमेशा आपको टारगेट्स एंड लेवल्स के साथ ही सजेस्ट करता हूँ। वन मोर थिंग, मेरा जो ऑप्शंस सीरीज में जो वीडियो है वो नया जस्ट अभी अभी अपलोड होने वाला है, तो आई होप आप वो देख रहे हो, उसके व्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो प्लीज़ उसमें कमेंट करिए, मेरे को बताइए वो वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। एंड आई एम वेरी मच इन कॉन्फिडेंस कि भाई वो वीडियोज़ आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस, कीप योर टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेज टाइट। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड नाइट, बाय बाय।